हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं कुछ न्यू एक्टिविटी करने वाली हूँ, जो एक्चुअली मेरी एक्टिविटी नहीं, वो जशन की एक्टिविटी है। उसके स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसे कुछ प्ले में पार्ट लेने का मौका मिला है, और कोई बहुत ही बड़ा पार्ट नहीं है उसका, वो ही इज़ बिकमिंग अ ट्री, वो एक ट्री बना है। तो लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात है, क्योंकि ट्री बनेगा यार उसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत खुश है कि मैं ट्री बन रहा हूँ, वो मेन पार्ट है इस पूरे एक्ट का। तो कुछ न्यूट्रिशन वीक वगैरह कुछ ऐसे चल रहा है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कि एक्ट है क्या इनका। सो जो इसकी कॉस्ट्यूम है वो हमने मंगवाई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया, सुबह अब जाना ही है स्कूल, तो खुद ही मैं डिज़ाइन करने बैठी हूँ। तो उसके लिए काफ़ी कुछ सामान अरेंज किया है। नीचे मैं सोच रही हूँ उसको एक ब्राउन कलर की पैंट पहना दूँगी, जैसे एक स्टेम होता है पेड़ का। और ऊपर के लिए मैंने एक फुल स्लीव्स की ग्रीन टी शर्ट मंगाई है, और दिखाती हूँ आपको। सो ये ग्रीन टी शर्ट मंगाई है मैंने फुल स्लीव्स की, और इसके ऊपर मैं थोड़ी क्रिएटिविटी करने वाली हूँ। ये है सारा सामान जो मैं उसके ऊपर चिपकाऊँगी, और एक पेड़ का लुक आ जाएगा। तो ये वाले जो इतने ब्यूटीफुल से पत्ते और फूल हैं, मैं बताती हूँ कहाँ से जुगाड़ा मैंने। यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट किया था बुद्ध जी को, लाइक दिस। बहुत सारा था जो वहाँ पर पड़ा है, वो सब यहाँ पर लगा था, एक लाइक फॉल टाइप का था उनके बालों के जैसा। तो बहुत ही प्रिटी एक वास था। मैंने ये सब अभी उधारी ले लिया इनसे कि मैं पूरा यूज़ कर लूँ पहले, फिर वापस लगाती हूँ आपके बाल। और इनको स्टिक करने के लिए मैंने ये फैब्रिक वाली ग्लू मंगाई है। मुझे पता चला कि फैब्रिक ग्लू भी होती है। ये ब्राउन पेंट जाएगी इसके नीचे, तो ये पूरा एक पेड़ बन जाएगा मेरा बेटा। स्टार्ट पता नहीं करना क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शर्ट में जब हम बन रखेंगे सामान, लाइक इसे जो चिपकाएंगे, तो ऐसा ना हो कि इसका ये पोर्शन और जो नीचे से पोर्शन है, लाइक ये और ये पीछे से, अंदर से स्टिक ना हो जाए ग्लू से। तो मैं इसके लिए इसके बीच में सोच रही पेपर रख दिया जाए, शायद करते होंगे ऐसे लोग भी। तो एक बहुत बड़ी हेल्प भी है मेरे साथ आज स्पॉट दादा कैप्टन सिंह झुन्ना मेरे साथ साथ घूम रहे हैं पीछे पीछे, पर व्लॉग में नहीं आना चाहते। Two hours later. पहले हमने सोचा कि हम फेविकोल से ऐसे से लड़ी चिपका देंगे, बट फेविकोल से चिपका नहीं। फिर स्टेपलर ट्राई किया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो अब मैंने एक एक पत्ते ऐसे इसके निकाल निकाल के यहाँ पे स्टिक करने का सोचा है। इसको ड्राई होने देते हैं, लेट्स सी ये सक्सेस होता है कि नहीं, अदरवाइज मुझे इसके आगे नहीं पता क्या करना है। लग तो रहे कैप्टन, लग तो रहे सक्सेस। यहाँ तक हुआ है हमारा काम, थोड़ी यहाँ पर लगाए हैं स्लीव्स में लगाए हैं पत्ते, और बीच बीच में मैंने पिन कर दिया है थोड़े से फ्लावर्स। सफिशियंट है इतना लुक इसके लिए। नीचे ब्राउन पैंट होगी और ऊपर ये हरियाली होगी, तो ट्री लगेगा ये बेचारा। तो सोच रहे हैं हम लोग कि यहाँ फेस में बहुत खाली लगेगा, नीचे तक तो पूरा हैवी है, तो मैं एक टियारा बनाने का सोच रही हूँ उसके लिए। जैसे कि ये है, तो इसका एक टियारा बन जाए, कुछ थोड़ा सा फुल लगेगा हरियाली उसका। जहान यहाँ पर कर रहा है पेस्टिंग, ये है इसकी फेवरेट एक्टिविटी। स्कूल में जैसे करते वैसे इसको पसंद है बहुत, तो मैं घर में भी ऐसे इसको थोड़ा बहुत बना कर दे देती हूँ, ये पेस्टिंग करता रहता है। बढ़िया, तो अभी हम जा रहे हैं मौसम के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा डिनर करने।
दीदी का फेवरेट मील आ गया है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, शायद पंजाब में भी इतना टेस्टी नहीं मिलता होगा मेरे को लगता है। बिना प्याज की चटनी मिल रही आपको यहाँ की। हर एक कुलचे की स्टफिंग में अनियन होता है, तो कैप्टन प्लेन नान बनवा कर लाए। तंदूरी नान, क्या तंदूरी रोटी, नान नान, चटनी भी बिना प्याज का बनवा लिया। देखो सेटिंग कितनी हो गई है, डेढ़ कुलचा तो हम लोग आराम से खा ही सकते हैं। आपका कितना हो गया? हाँ, वन एंड हाफ हुआ, मेरा डेढ़ हुआ, इनका वन एंड हाफ हुआ। गणपति बाप्पा, आधा लड्डू चोरिया, अगला लड्डू पूरा लड्डू चढ़ा दिया। कैसी लगी अभी? दौड़ रहा था।